समय जब आता है अच्छा तो अच्छा ही होता है। हमारे साथ अन्याय इतना हो रहा है कि मेरे नाम पे इतना लोग रंगदारी मांग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। मेरे नाम पे रंगदारी मांगा जा रहा है 15-15 लाख रुपया। अगर जो नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा बेटा को हत्या कर देंगे, नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा परिवार को सत्यानाश कर देंगे। थाना के माध्यम से पकड़ा गया वो जमुई का लड़का था, वो भी मेरे नाम पे रंगदारी मांग रहा था कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। पूछा गया कौन विधायक, तो उसने बताया कि दानापुर विधायक रीतलाल यादव। नमस्कार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा सत्र का आज 6ठा दिन है। रोजाना की तरह इसकी शुरुआत हंगामे और प्रदर्शन से की गई। आपको बता दें कि अब रीतलाल यादव, जो बाहुबली के नाम से जाने जाने वाले हैं, राजद के विधायक हैं, वो आजकल परेशान चल रहे हैं क्योंकि उनके नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोग लाखों पैसे वसूल रहे हैं, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। आज इसकी बात उन्होंने सदन के बाहर भी उठाई और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे नाम पे पैसे वसूले जा रहे हैं गलत तरीके से। तो हम इस बात को हम बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से लेकर मुख्यमंत्री तक इस बात को रखेंगे और उनसे उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि इस तरह की आए दिन घटना घटते रहती है क्योंकि अब भी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक फर्जीवाड़ा का जो काम चल रहा है वो तेज़ी से वायरल हो रहा है, इसमें अब रीतलाल यादव भी फंसे नजर आ रहे हैं। आप आगे सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं रीतलाल यादव। आपको कभी फर्जी फोन कॉल आता है या फिर आपको कभी पूछा जाता है कि आपके बैंक में कितने पैसे हैं या कि आपके नाम पर रंगदारी मांगी जाती है? आज आप लोग मेरे मन की बात पूछ लिए हैं, इसके लिए मैं आप सभी मीडिया भाई को धन्यवाद दे रहे हैं। सबसे पहले इसलिए कि जो बात आपने हमसे पूछा, इस बात को लेकर के हम बहुत पहले से कष्ट में गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि बात आप लोग के बीच में हम किस आधार पर रखें, किस तरह से रखें। लेकिन समय जब आता है अच्छा तो अच्छा ही होता है। हमारे साथ अन्याय इतना हो रहा है कि मेरे नाम पे इतना लोग रंगदारी मांग रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे ऐसे मेरे पास 7-8 वीडियो है, रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो नहीं ऑडियो रिकॉर्डिंग है, पेपर का कुछ कटिंग भी है, आप लोग के बीच में हम रखना चाहेंगे। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे नाम पे रंगदारी मांगा जा रहा है 15-15 लाख रुपया। अगर जो नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा बेटा को हत्या कर देंगे, नहीं तुम दोगे तो तुम्हारा परिवार को सत्यानाश कर देंगे। इन सारी बातों को लेकर के अनेकों घटनाएं मेरे ऊपर घट रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रियांशु सिंह नाम का एक लड़का था जो बुद्धा कॉलोनी थाना के माध्यम से पकड़ा गया, वो जमुई का लड़का था, वो भी मेरे नाम पे रंगदारी मांग रहा था कि मैं विधायक बोल रहा हूँ। पूछा गया कौन विधायक, तो उसने बताया कि दानापुर विधायक रीतलाल यादव बोल रहे हैं। इसी तरह से एक अनिल सिंह आदमी थे, उनसे भी 15 लाख रुपये का रंगदारी मांगा गया। उनसे बोला गया पहले कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला गया कि हम रीतलाल यादव के आदमी बोल रहे हैं। 15 लाख रुपया कल तुम ले करके पहुँचा देना हमको। जब वो आदमी नहीं गया तो दूसरे दिन फ़ोन करता है कि मैं रीतलाल यादव खुद बोल रहा हूँ। तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा बेटा एगो है, तुम्हारे पूरे घर परिवार को हम तहकीकात कर लिए हैं, रीतलाल मेरा नाम है, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। हम ऐसे ही किसी के पास फ़ोन नहीं करते हैं, किसी से रंगदारी नहीं मांगते हैं, जब तक पूरे तहकीकात नहीं कर लेते हैं तब। तुम 15 लाख रुपया पहुँचा दो और नहीं तो तुम्हारा बेटा का हत्या हो जाएगा। इसी तरह से दिघा में एक मुकेश नाम का लड़का फ़ोन किया, जो उन्होंने बताया कि हम रीतलाल यादव, हम विधायक का भाई बोल रहे हैं चचेरा। उधर से पूछा गया कि आप कौन बोल रहे हैं, नाम क्या हुआ, तो उसे बताया कि मुकेश कुमार बोल रहे हैं, विधायक का चचेरा भाई बोल रहे हैं।
तो उधर से भी ये बात आई कि हम रितलाल यादव का भाई मुकेश यादव बोल रहे हैं। ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घट रही है मेरे साथ। कुछ दिन पहले रुपसपुर थाना में FIR दर्ज कराने का भी प्रयास किया गया था अनिल सिंह के माध्यम से, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। ये मेरी दुर्भाग्य है। हमने सोचा था कि हाउस चलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिलेंगे, अपने अध्यक्ष महोदय से भी मिलेंगे, हम मिल करके इन सारी बातों को रखेंगे कि अब तो अब आप लोग के शरण में हम रहते हैं। मेरे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति हो रही है, आप लोग इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मौका मिल नहीं पाया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का और न अध्यक्ष महोदय से, इसलिए उनसे हम कह नहीं पाए। लेकिन आज भाई लोगों के बीच में कहने का मौका मिल रहा है। ये मेरी पर्सनली नहीं, लोगों का भी बात है। हमने आज नहीं बहुत पहले कह चुका है कि हमको जाने से बहुत लोग को कष्ट होगा। कष्ट इस बात का होगा कि जब हम नहीं थे तो अनेकों लोग मेरे नाम पे ज़मीन कब्जा, रंगदारी, मारपीट, लूटपाट कर लिया करते थे। लेकिन अब सारी बातें जो लोगों को मन में जा रहा है, एक दूसरे के पास कष्ट पहुंच रहा है, वो सभी लोग मेरे घर पे आ जा रहे हैं और उनसे मुलाकात भी हो जा रही है। अब मुलाकात होने के बाद इन सारी बातों को मेरे पास रखा जा रहा है। इंस्टाग्राम पे भी मेरे नाम को लेकर के कई गो से 1.5 लाख, 2 लाख, 20 हज़ार कई गो से इंस्टाग्राम पर भी मेरे नाम से रंगदारी मांग दिया गया है, मेरा फोटो लगा करके कि सोशल साइट जो है ये मुखिया जी हम बोल रहे हैं, रितलाल यादव बोल रहे हैं, तुमको ठेकेदारी दिला देंगे, तुमको नौकरी लगा देंगे। इन सारी बातों को लेकर के मेरे ऊपर बदनाम किया जा रहा है, मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आपने पुलिस में कंप्लेन किया है? हम तो नहीं है, और विधायक के नाम पर तो नहीं मांगा जा रहा है जी। आपके नाम पर क्यों मांगा जा रहा है? हमने तो सारी बात आप लोगों के बीच में रख दिया, रिकॉर्डिंग तक रख दिया, और मेरी आवाज़ है इसमें। तो आप लोग से आग्रह है मेरा और सरकार से भी मेरे आग्रह है कि इसको जांच करा लिया जाए, और उनकी आवाज़ है, और उसके बाद में जो सज़ा देनी है वो भी दे सकते हैं। हमको बाहुबली की आपकी छवि रही है, बाहुबली लोग कहते हैं, इसके कारण मांगा जा रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे समझ से यही बात है, इससे आगे कोई बात नहीं है। कोई और गिरोह भी लगा है कहीं ना, और इस बाहुबली के झांसा में ही आकर के लोग फंस जा रहे हैं। जो लोग मेरे पास आ जा रहे हैं, संपर्क हो जा रहा है, वो बच जा रहे हैं। जो संपर्क में नहीं आ रहे हैं वो किसी के झांसा में फंस करके कहीं कंप्लेन किया है, FIR वगैरह कहीं करवाया है क्या? हमने पहले आपको बताया कि विधानसभा जब शुरू हो रहा था तो हमने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष महोदय से पहले हम अपना विचार को व्यक्त कर लेते हैं, उसके बाद में जो राय होगा हम थाना में या पुलिस में SP के यहाँ जहाँ जो भी कंप्लेन करना होगा हम करेंगे, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहें, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरे नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। हालांकि एक उनकी जो छवि है वो बाहुबली की है तो उनसे लोग डरते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब रितलाल यादव की इससे परेशानी हो रही है, जनता में उनकी छवि को ख़राब किया जा रहा है, काफ़ी उन्होंने आपत्ति जनाई है और इसको बेहद ही शर्मनाक ही उन्होंने बताया है, क्योंकि इस तरह से लोग जो उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हम इस बात को आगे सरकार के मुख्यमंत्री के पास में भी रखेंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, क्या रितलाल यादव की परेशानी इसी तरह से बनी रहेगी या फिर उनकी परेशानी जो है कम होती है। इस खबर बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।